हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज सर। लास्ट डे मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 11th का रिलेशन का पहला पार्ट। मैंने आपको बता दिया था रिलेशन किसे कहते हैं, बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताया था कि कैसे किया जाता है, यानी क्रॉस के बारे में मैंने बता दिया था आपको। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसका पार्ट वन देखिए, फिर आप पार्ट टू को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो क्लियर है, रिलेशन का एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। लास्ट डे हमने जहाँ पर छोड़ा था उसका आगे बात करेंगे आज। तो आज एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि अगर कहीं पर दिया रहे इफ़, ये पहले से गिवन है कि x प्लस टू कॉमा फोर, ये एक रिलेशन है। ये दो डिजिट्स आपके दो एलिमेंट्स दिख रहा है, x प्लस टू एक ही एलिमेंट है, कॉमा फोर, यानी इस दोनों ये दोनों मिलकर एक रिलेशन बन रहा है। ये रिलेशन इक्वल है किसके, फाइव कॉमा टू एक्स प्लस वाई के। अगर इसके दिया हुआ है कि ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो अगर आपको कह रहा है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे पता है आपको? पहला वाला को पहले वाले के इक्वल कर देना है और सेकंड वाले को सेकंड वाले के इक्वल कर देना है, यानी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फाइव और टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर। यानी आप दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप एक्स और वाई का वैल्यू तो डेफिनेटली निकाल ही लीजिएगा। अब जो मेन है हमारा आगे का, अब हम लोग रिलेशन को जरा डिटेल में पढ़ते हैं, रिलेशन कहते किसको हैं। लास्ट डे मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो सेट्स ए और बी दिए रहेंगे तो उन दोनों सेट्स का यूज़ करके हम लोग ए क्रॉस बी कैसे निकाल सकते हैं। आज हम लोग ए क्रॉस बी यानी कि सेट ए, पहले से दो एग्जाम्पल ले ही लेते हैं हम लोग, आगे यूज़ पड़ेगा हमारा। तो जैसे वन टू थ्री सेट ए है और बी है हमारा फोर फाइव, ये दो सेट्स हमने पहले भी ले लिया और इसी का हम आगे भी यूज़ भी करेंगे एग्जांपल्स में। तो क्लियर है, दो सेट है हमारे पास। तो अगर दो सेट्स के बीच में अगर आपसे रिलेशन पूछता है कि फाइंड द रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिलेशन किसे कहेंगे? तो रिलेशन इज द सबसेट। आपने पढ़ा होगा, आपको अगर नहीं भी पढ़े हैं तो पहला पार्ट जो मैंने डाला था सेट्स का, उसे आप जाकर देखिएगा, ये साइन सबसेट का है। यानी आर इज, जो भी रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, अगर रिलेशन ए से बी में पूछा जा रहा है। अगर आपसे कोई भी कह रहा है कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, तो जो भी रिलेशन आप फाइंड करेंगे, यानी कोई ना कोई कंडीशन का ही रिलेशन होगा, तो जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी पहले आप फाइंड करेंगे, उसी में से सबसेट निकलेगा, वही आपका रिलेशन होगा। सबसेट कहने का मतलब कि जो ए क्रॉस बी निकलेगा उसी में से दो या तीन या चार। तो वैसे आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, पूरा एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ए क्रॉस बी। आपको याद होगा ए क्रॉस बी हमने कैसे बनाया था, ए क्रॉस बी का मतलब हुआ वन फोर, फिर वन फाइव, फिर टू फोर, फिर टू फाइव, फिर थ्री फोर, फिर थ्री फाइव। तो इस तरीके से हमारा ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया हमने। अब ए क्रॉस बी जब निकल गया है आपका, तो ए क्रॉस बी निकलने के बाद अब हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। अब जब भी रिलेशन फाइंड करने के लिए कहेगा तो कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब देखिए रिलेशन लिखने का तरीका कैसा है, ए आर बी इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर इसका मतलब हुआ ए का रिलेशन बी के साथ, यानी इसको पढ़ेंगे ऐसे कि रिलेशन ऑफ ए विथ बी। तो क्लियर है, ए आर बी लिखेंगे अगर ऐसा, ए आर बी लिखा रहे या अगर बी आर ए लिखा रहेगा, इसका मतलब कि रिलेशन ऑफ बी विथ ए, अभी फिलहाल लिखा हुआ है ए आर बी, ऐसे लिखें, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, या फिर ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। इसका मतलब हुआ कि ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, और इसका मतलब ही हुआ कि ए इज द इज इन रिलेशन विथ बी, ए का बी के साथ रिलेशन है। तो क्लियर है रिलेशन को लिखेंगे कैसे, ये आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं और एग्जाम्पल शुरू करने के बाद हम लोग को पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन क्या है कि एक रिलेशन है। देखिए रिलेशन क्या कह रहा है, इसको आसानी से समझिएगा। एक रिलेशन आर है, एक रिलेशन आर क्या कह रहा है कि ए बी, मतलब रिलेशन ए का बी के साथ रिलेशन, ए बी नाम का रिलेशन होना चाहिए जिसमें से ए बिलोंग करना चाहिए सेट ए से, यानी ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, यानी वन टू थ्री से, और बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। ए सेट ए से बिलोंग करेगा, बी सेट बी से बिलोंग करेगा। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि ए प्लस बी यानी ए और बी, वही दोनों वही वाला आप रिलेशन चुनिएगा जिसमें दोनों का सम लेस देन एट हो, आठ से कम हो। तो क्लियर बात है, पहले क्वेश्चन को देखकर समझना है कि हमको वर्क कहाँ करना है।
तो ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। बी किससे बिलोंग करता है, सेट बी से। पहले कौन है ए, बाद में कौन है बी, यानी हम लोग को पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम लोग ए क्रॉस बी पहले फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम लोग ए क्रॉस बी में से चुनने वाले हैं उस रिलेशन को जो इस रूल को फॉलो करेगा, यानी दोनों का सम 8 से कम होना चाहिए। तो क्या 1 और 4 कितना होता है, 5, क्या 8 से कम है ना, हाँ है। तो यानी हमारा रिलेशन, हमारा आर का आंसर क्या क्या होगा, ये 1 4 आ सकता है आंसर में, हाँ 1 4 हो सकता है, 1 4 के अलावा क्या 1 5 हो सकता है, 1 5, 8 से कम है सम में, हाँ 1 5 6 ही होता है सिर्फ, 2 4 भी होगा, 2 5 भी होगा, 2 5 7 होता है यानी 8 से छोटा है, 3 4 भी हो सकता है, 3 4 7 8 से छोटा होता है, क्या 3 5 होगा, नहीं 3 5 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 5 8 होता है और हम लोग को 8 से छोटा लेना है। तो ये हमारा हो गया रिलेशन, या फिर यूँ हो गया आपका आंसर। तो आप क्वेश्चन को देखकर, यानी क्वेश्चन इस टाइप से आपका दिया रहेगा एक रिलेशन, और रिलेशन देने के बाद आपको पहले डिफाइन कर देगा कि रिलेशन क्या है, ए किससे बिलोंग करता है, बी किससे बिलोंग करता है। ये देने का मतलब ये है कि आप ए क्रॉस बी पहले फाइंड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, और उसके बाद ध्यान से देखेंगे हम लोग कि और क्या कह रहा है रिलेशन में, दोनों का सम किससे छोटा है या बड़ा है, यानी ये इस रूल को भी जो फॉलो करेगा तो हम लोग उसमें से फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा रिलेशन। अब है कि एक और क्वेश्चन तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, आपको बताऊँगा मैं कि कोडोमेन, डोमेन और रेंज किसे कहते हैं। तो क्लियर है, पहले इसे समझ लीजिए जरा सा कि एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक रिलेशन है, सेट यही यूज़ करूँगा मैं, सेट ए और सेट बी। तो एक रिलेशन है, एक रिलेशन ए बी के बीच में है, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, बात समझिएगा मेरी, ये ए बिलोंग्स टू ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, यानी सेट बी का मैंने नाम नहीं लिया है, और मैं कह रहा हूँ कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, या फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग को चेक करना है कि कौन सा हो सकता है। तो यानी ए क्रॉस ए, आपको यहाँ भी ए का यूज़ हो रहा है, यहाँ भी ए का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो आपको ए क्रॉस ए फाइंड करना तो आता है, पहले ए को लिख लेंगे 1 2 3, इसके बगल में फिर लिख लेंगे ए को ही, यानी 1 2 3, और दोनों का क्रॉस निकाल देते हैं एक बार, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। अब जो ये हमारा ए क्रॉस ए निकल गया, इसमें से हम लोग को उन रिलेशंस को चुनना है जिसमें दोनों का सम 5 होता हो। तो इसमें से किसमें है 5 सम, 2 प्लस 3 5 होता है, और 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है, यानी इस पूरे में से सिर्फ दो ही ऐसा है जो हमारे रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आर का आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, हमारा रिलेशन हो जाएगा 1 2 3 और 1 3 2। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही डेफिनेशन में कहा था कि रिलेशन कहते किसको हैं, तो रिलेशन जो है वो आपके ए क्रॉस ए का या फिर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे का सबसेट है ये, यहाँ भी इस पूरे का ए क्रॉस बी का सबसेट है आपका रिलेशन। तो रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी का हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज किसे कहते हैं। ओके, तो लास्ट जो भी हमने पढ़ा था एग्जांपल, उसमें हमने दो सेट लिया था ए और बी, और हम लोगों ने दो रिलेशन फाइंड भी किया था। तो उन्हीं दोनों रिलेशन का हम यूज़ करके अब जरा कोडोमेन, डोमेन और सेट आपको समझा देते हैं। है क्या कि अभी सेट ए है और सेट बी है, इस दोनों सेट ए और बी का यूज़ करके हमने रिलेशन निकाला था जस्ट इससे पहले, कि रिलेशन हमारा क्या था, 1 4 1 5 2 4 2 5 एंड 3 4। अब जब रिलेशन आप फाइंड कर लेंगे तो आपको रेंज, डोमेन और कोडोमेन का मतलब समझ में आएगा। सबसे पहले तो डोमेन किसे कहेंगे, डिफिनेशन नहीं समझना है, समझना है कि होता क्या है एग्जैक्टली, है डिफिनेशन तो बुक में भी लिखा हुआ है, समझिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। डोमेन किसे कहेंगे, तो आपका जो भी रिलेशन है इस रिलेशन में सबसे स्टार्टिंग वाले, यानी 1 4 1 5 ऐसे करके जितना भी रिलेशन दिया है, इसमें पहले वाले जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को कहेंगे हम लोग डोमेन, या फिर यूँ कहे कि आपका पहला सेट जो है उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग कहेंगे डोमेन। तो क्या है आपका डोमेन, आपका डोमेन है 1
वन वन दो जगह है तो हम एक ही बार लिखेंगे, वन टू भी दो जगह है तो हम एक ही बार लिखेंगे, टू एंड थ्री, यानी वन टू थ्री आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया, वन टू थ्री आपका डोमेन है। अगर कोई पूछे आपका को डोमेन क्या है, तो सबसे पहला बात कि जब भी हम लोग रिलेशन फाइंड कर रहे थे, ये रिलेशन को फाइंड करने से पहले हम लोग को मालूम था कि रिलेशन ए से बी में फाइंड करना है, या फिर हमको ये भी मालूम था कि ए क्रॉस बी निकाल कर तब क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सेट ए के जितने का जितना भी एलिमेंट्स था वो हमारा डोमेन है, सेट बी में जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा फोर और फाइव जो भी है हमारा, ये को डोमेन है। यानी ये वाला हो गया डोमेन, ये वाला क्या हो गया आपका को डोमेन हो गया। अब बात आता है रेंज का, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करने के लिए अपने रिलेशन को देखिए और अपने रिलेशन में जो बाद वाला डिजिट्स हैं उनको आप लिख देंगे तो वो आपका रेंज हो जाएगा। तो बाद वाला डिजिट कौन है, फोर है और फाइव है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो फोर और फाइव है। जनरली कोडोमेन और रेंज सेम ही आता है हर क्वेश्चन में, लेकिन आप समझिएगा कि जो दो सेट्स आप यूज़ कर रहे थे तो पहला वाला सेट तो हो गया डोमेन, दूसरा वाला सेट कोडोमेन, और रिलेशन जो आपने फाइंड किया है उस रिलेशन में से, अब सिर्फ पहला वाला सेट भी नहीं समझेंगे, रिलेशन देखकर ही समझेंगे कि पहला डिजिट कौन कौन है, वो डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया, और बाद वाला जो डिजिट था उसको चुनकर लिख देंगे वो हम लोग का रेंज होगा। कोइंसिडेंटली है या फिर जनरली ऐसा होता भी है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल ही आएगा आपका। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि डोमेन कोडोमेन और रेंज तो आप समझ गए हैं, अब इस तीनों को समझने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वही पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो चार तरीके से हम लोग कभी भी किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो चार तरीका कौन है, तो पहला रोस्टर, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा है हमारा एरो डायग्राम, और चौथा है हमारा टेबुलर फॉर्म। तो ये चार मेन तरीका है आपको उसको शो करने का, यानी रिलेशन शो करने का। रोस्टर फॉर्म को बताने के लिए ज़्यादा मेरे हिसाब से आप पढ़े भी होंगे पहले से सेट्स में, तो आप रोस्टर फॉर्म बोलते किसको हैं, तो यानी अभी जो हमने रिलेशन निकाला था पिछले क्वेश्चन में, ये जो हमारा रिलेशन था, ये रिलेशन को हमने जो लास्टली फाइंड आउट किया था और जिस फॉर्म में मैंने लिखा था, ये वाला फॉर्म कहलाता है रोस्टर फॉर्म। यानी दो ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए आप, तो दिस इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। लेकिन इसी बात को मैंने एक स्टेटमेंट के रूप में भी लिखा था कि आर इज़ अ रिलेशन सच दैट, कि ए बी रिलेशन है और इसमें ए बिलोंग करता है सेट ए से, बी बिलोंग करता है सेट बी से, और मैंने कहा था कि ए प्लस बी इज लेस देन एट, ऐसा मैंने कहा था, इसी को सॉल्व करने पे इतना आंसर आया था। तो ये जो फॉर्म है, ये जो कहानी वाला फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो यानी इसको हम लोग रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रिलेशन को हम लोग थोड़ा कहानी बना के यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तीसरा एरो डायग्राम, बहुत ईजी है, एरो डायग्राम बना के भी बना सकते हैं। जैसे आप पहले तो सेट ए और सेट बी लिख लेंगे, सेट ए में और सेट बी में जो जो एलिमेंट्स है पहले उसे लिख लेते हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, फोर और फाइव। आपका रिलेशन क्या है, आपका रिलेशन है वन फोर, तो हम लोग ऐसे दिखा देंगे एरो बना के, वन फोर, फिर क्या है, वन फाइव, वन फाइव, टू फोर, टू फोर, टू फाइव, टू फाइव, फिर थ्री फोर है तो थ्री फोर कर लेंगे, थ्री फाइव नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका एरो डायग्राम, आप एरो डायग्राम से भी शो कर सकते हैं अपने रिलेशन को। और लास्ट है एक टेबुलर फॉर्म, जरा इसे भी समझ लीजिए, टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं। तो टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, और इस टेबल में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर रिलेशन, यहाँ पे आर की जगह कोई भी रिलेशन आपका हो, जो भी रिलेशन आपके क्वेश्चन का है, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग रहेगा, जो भी रिलेशन है आपका आर लिख देंगे यहाँ पे, एक तरफ लिख देंगे हम लोग सेट ए और एक तरफ लिख देंगे हम लोग सेट बी, आप जिधर मन उधर वो लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ चाहें तो यहाँ भी सेट ए लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेट ए यहाँ लिखेंगे और सेट बी यहाँ लिखेंगे। सेट ए में कितने नंबर्स हैं, तीन नंबर्स हैं, तो वन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेट ए में कौन कौन नंबर है, वन है, टू है और थ्री है। सेट बी में कितने नंबर्स हैं हम लोग का, तो दो नंबर्स हैं, फोर है और फाइव है। और आपका जो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में जो आपने आंसर निकाला था, उस आंसर में देखिए क्या वन फोर है, क्या वन फोर है, तो वन फोर अगर है तो यहाँ वन लिखेंगे, और वन फोर अगर नहीं रहता तो हम यहाँ जीरो लिखते हैं। वन फोर है तो वन लिख दिए, वन मतलब हाँ और ज़ीरो मतलब ना। तो वन फाइव है, वन फाइव हाँ है, इसे यहाँ भी वन लिख देंगे। टू फोर, टू फोर है हाँ है, वन लिखेंगे। टू फाइव है, टू फाइव हाँ है, वन लिखेंगे। थ्री फोर है, थ्री फोर हाँ है, तो वन लिखेंगे। थ्री फाइव है, थ्री फाइव नहीं है,
थ्री फाइव कहीं नहीं मिला हम लोग को, इसलिए यहाँ जीरो लिख देंगे। तो आप इस फॉर्म से भी यानी टेबुलर फॉर्म से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने रिलेशन को। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करना बहुत ही ईजी हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है, और लास्ट टॉपिक है हमारा इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन। तो इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा चीज़ छूट रहा है हम लोग का, वो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर कभी भी सेट ए और सेट बी दो सेट दिया रहे और दो सेट देने के बाद पूछे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं इस सेट ए और सेट बी, यानी सेट ए और सेट बी में टोटल मिलाकर टोटल कितने सारे रिलेशंस बन सकते हैं, मतलब कितने सारे सबसेट्स हो सकते हैं ए और बी के। तो सबसे पहले तो आप नियम याद रखिएगा कि नंबर ए में कितना था, तीन एलिमेंट, बी में कितना था, दो एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा, यानी एन ऑफ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में मैंने निकालना बताया था आपको, ये दोनों में नंबर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 2 कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 2 का पावर 6, जो भी होगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। उतने सारे रिलेशंस मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी उतने सारे सबसेट्स हो सकते हैं इस ए क्रॉस बी में से। तो क्लियर है। और लास्ट से हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन। तो इन्वर्स ऑफ रिलेशन तो खैर देखने में बड़ा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा होगा, है उतना ही इजी। करना क्या है कि अगर आपका रिलेशन आर इज इक्वल टू समथिंग, कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि 1, 3, 2, 4 and 2, 5 समथिंग करके, अगर ऐसा कोई रिलेशन आपके सामने है तो कोई बोलता है आर इन्वर्स फाइंड करो, रिलेशन को इन्वर्स कर दो, इस रिलेशन का इन्वर्स फाइंड करो, तो सिंपली है कि आप इसको पलट देंगे, यानी कि 3, 1, 4, 2, 5, 2 ऐसा कर देंगे, ये हमारा आर इन्वर्स फाइंड हो गया। तो क्लियर है, किसी भी रिलेशन का आप इन्वर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अब रिलेशन फाइंड करने के लिए आपका क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में, तो पहले उसको ठीक कर लीजिएगा, बाद में उसका इन्वर्स निकालिएगा। तो सिंपल है कि किसी भी बुक से, चाहे NCERT हो, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे किसी से ना हो, आप जहाँ से मन करे वहाँ से चैप्टर उठाइए रिलेशन और पूरा बना जाइए, दोनों पार्ट देखिएगा वीडियो का, और ये वीडियो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे का कोई वीडियो आपका मिस नहीं हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको NCERT से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको समझा दूंगा, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, यानी पूरा एक थ्रू आउट सारा का अप्रोच दे दूंगा मैं NCERT के बुक से ही, कि आपका रिलेशन कैसे बनेगा पूरा। और उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आऊँगा आपके 11th के, ठीक है। तब तक आप ये कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ये सारे क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली भी बना ही लीजिए, फिर आप किसी बुक से बनाइए, शुरू करिए।